राहुल गांधी कहते हैं कि इस सरकार ने उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में परेशानी होती है। देखिए राहुल गांधी जो है ये जो चीजें बोलते हैं वो ओनरशिप नहीं करते उसकी, जो उनको कोई लिख कर देता है वो बोल देते हैं। आप ध्यान में रखिए सबसे ज्यादा कर्जा कब दिया गया, सबसे ज्यादा कर्जा यूपीए के काल में दिया गया, सबसे ज्यादा एनपीए कब हुए, सबसे ज्यादा एनपीए देश में ये यूपीए के काल में हुए। एनपीए करोगे आप और ठिकरा फोड़ोगे हमारे सर पर, ये सारा जो पैसा है ये कांग्रेस के काल में ही आज माफ हुआ है। लेकिन राहुल जी ने एक बड़े अच्छी व्यवस्था खड़ी कर दी है, रोज बोलो, जोर से बोलो, मन में आए वो बोलो, झूठ भी बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन पूछता है। ठीक है हो सकता है उन्होंने लोन दिया हो, लेकिन विजय माल्या तो आपके राज में पैसा लेकर भाग गए ना, तो ला रहे ना। विजय माल्या हमारे राज में भागे, पैसा तो उन्होंने दिया था, एनपीए तो उन्हीं के काल में हुए, सारे उसके फ्रॉड तो उन्होंने किए, फोन बैंकिंग तो उनका ही था, किसने दिए थे पैसे विजय माल्या को, उन्होंने दिए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस सरकार ने यूके के कोर्ट में लड़कर विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर ले लिया, विजय माल्या यहां आएंगे और बकायदा मुंबई की जेल में रहेंगे। आपने तैयारी कर ली? हाँ बिल्कुल जी, हमने तो उसका वीडियो भी भेज दिया वहां के कोर्ट को, वो कह रहे थे कि भाई आपके यहाँ पर जो बराक है वो ठीक नहीं है, हमने कहा विजय माल्या जी के लिए अच्छी बराक तैयार करी हुई है, उसका एक वीडियो भी हमने भेज दिया, उन्होंने उसको मंजूर कर दिया और उसके बाद ऑर्डर दे दिया। लेकिन विजय माल्या जी अकेले नहीं है, नीरव मोदी भी भाग, वो भी आएंगे, चौकसी भी भाग, सभी आएंगे, आप चिंता मत करिए। इस देश का पैसा लेके जो जो भागा है उसको वापस आना ही पड़ेगा और इस देश की जेल में ही सड़ना पड़ेगा।